सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लेवी वसूलने पहुंचे जेजेएमपी नक्सली संगठन के दो उग्रवादियों को पुलिस ने धर दबोचा। दरअसल बीती रात के करीब 1:30 बजे के आसपास प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के महेश भुइयां अपने 8 सदस्यों के दस्ते के साथ पिकअप पर सवार होकर केचकी होते हुए कोयल नदी पर निर्माणाधीन पुल के ठेकेदार से लेवी वसूलने पहुंचा था। इसी बीच महेश भुइयां के दस्ते को पुलिस आने की भनक लग गई। तभी सभी उग्रवादी पिकअप गाड़ी छोड़ मौके से जंगल का फायदा उठाकर औसाने जंगल की ओर भाग निकले। तत्पश्चात पुलिस उपाधीक्षक शहर मेदिनीनगर के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन कर जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने महेश जी के दस्ते के 2 सदस्य दिलीप यादव व अशेक यादव को धर दबोचा। गिरफ्तार नक्सलियों ने अपने आप को नक्सलियों का सहयोगी बतलाया। साथ ही पुलिस ने उनके पास से खाने पीने के सामान के साथ साथ नक्सली वर्दी भी बरामद की है। साथ ही बिना नंबर प्लेट की सवारी पिकअप भी बरामद की है। इसकी जानकारी पुलिस उपाधीक्षक संदीप गुप्ता ने दी। अवसाने और भरवाटी के बीच कोयल नदी में चल रहे पुल निर्माण कार्य में रात्रि करीब 1:30 बजे के आसपास महेश भुइयां, जो कि जेजेएमपी उग्रवादी संगठन से संबंधित है, अपने 8-10 सदस्य के साथ और निर्माण कार्य जहाँ पर चल रहा था वहाँ पर आए थे। और वहाँ पर जो मुंशी था उससे आकर के रंगदारी मांगने के लिए आए हुए थे। तभी वहाँ पर जो हमारी जो पुलिस टीम जो कि वहाँ पे रह रहे थे, कैंप कर रहे थे, उसका सूचना मिली तो ये लोग संबंधित अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए वहाँ पे गए और जा करके जब उनका पीछा किए तब तक इन लोगों को सूचना मिल गई कि पुलिस बल यहाँ पे है, तो ये लोग तुरंत वहाँ से भागे और तब तक हम लोग भी पहुँच गए वहाँ पर। और इसी बीच नदी के पास उनकी गाड़ी फंस गई, जो सवारी पिकअप गाड़ी थी, तभी ये लोग गाड़ी छोड़ करके वापस पैदल जंगल की तरफ दौड़े। हम लोग भी उनका पीछा किए, पुलिस टीम पूछा पीछा किए और पूरे इलाके को जब सर्च अभियान चलाया गया तो इसी बीच दो नक्सली को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम है दिलीप कुमार यादव और दूसरे का नाम है अशोक यादव। ये दोनों बटाई थाना पाकी के रहने वाले हैं। इनके पास से फिर हम लोग 2 पिट्ठू जब्त किए हैं और बहुत सारा जो नक्सली जेजेएमपी का जो पर्चा था वो सभी जब्त हुआ है और बाकी हम लोग सर्च अभियान चला रहे हैं। जल्द ही और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी। Thank you.